अस्सलामुअलैकुम लेडीज, मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आ गई हूँ आज मैं नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेडीमेड कोफ्ते आप कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने कोफ्ते की वीडियोस तो देखी होंगी कि कोफ्ते कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बाजार के कोफ्ते कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। ये बहुत ईजी होते हैं। आप कहीं से आपको ये मैंने मोहन शर्मा का पिक पैक किया है चिकन कोफ्ते का, चाहे तो आप इस बॉल्स ले लें, आप किसी की भी मीट बॉल्स ले सकते हैं। मैंने जो चिकन कोफ्ते मीट बॉल्स ली है वो रेडीमेड लिए हैं मोहन शर्मा के, ठीक है। ये है कि ये बहुत ईजी होता है, चाहे तो आप खुद ही घर में बना के चीज कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं ना, तो फौरन आप जो है फौरन आप छुट्टियों में जो है आप रेडी कर देते होंगे। और ये कितना इजी है बनाना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने 8 कोफ्ते ले लिए हैं, ठीक है जी। और आपकी मर्जी आप जितने भी लेंगे, हमारे घर में कम सारे मैंने होंगे 1 कोफ्ता लिया, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी मैंने यहाँ पे 3 पैकेट ले लिए हैं। इनका यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। काइंडली आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसका एक एक स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कितनी क्वांटिटी में यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो जी मैंने यहाँ पे शान का, मैदान का और जो है नेशनल का कोफ्तों का मसाला ले लिया है, और इसको मैं समझे बिल्कुल 3 से 4 चुटकी जो है सब मसाले में, 3 से 4 चुटकी या आधा चम्मच आप समझते हैं, 1/2 टीस्पून आपने इन तीनों को ही कोफ्ते में डालना है। ये कौन से कोफ्ते फ्रीज हुए, ठीक है जी। मैंने मार्केट के कोफ्ते लिए हैं, आप चाहे खुद बना लें या मार्केट से ले लें, ठीक है जी। देखिए अब इन तीनों को जो है मैंने मसालों को, तीनों मसालों को 1/2 टीस्पून मतलब 1.5 चम्मच हो गया तीनों का मिला के मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जो है वो पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए अब जो है मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें पाउडर ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको अब आपने 15-20 मिनट ढक कर छोड़ देना। इससे ये है कि कोफ्ते के अंदर रूखापन नहीं आता। कोफ्ते के अंदर जो अजीब सा रूखापन खुशकपन होता है ना, जो रेडीमेड कोफ्ते में होता है, इससे आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। मसालों का इस्तेमाल आपने बहुत ध्यान से करना है, ज्यादा स्पाइस ना हो जाए, क्योंकि आप तीनों मसालों को मिक्स करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब तक इसको हम ढक के 15-20 मिनट छोड़ देते हैं। जो हमने ऑयल कर दिया है और अपने प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने 4 अदद ली है, क्योंकि कोफ्तों में जो ज्यादातर नॉर्मल मसाला होता है ना प्याज का होता है, ऑयल भी आपने मुनासिबत से थोड़ा सा ज्यादा रखना है, क्योंकि इसमें जो मेन किरदार है वो तो हमारा ग्रेवी अदा करता है, ठीक है। तो आपने प्याज का इस्तेमाल ज्यादा करना है इसमें और ऑयल थोड़ा सा ज्यादा रखना है। अब हम इसको पूरा सा जो है पकने लेंगे। ये देखिए ये प्याज थोड़ी पकड़ी है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे, चाहे तो खुद कूट लें, चाहे बाजार कर लें, आपकी मर्जी है। अब हमने इसमें 2 टीस्पून नेशनल ऐड करना है मसाला, मेहरान का मसाला 1 टीस्पून चलेगा और ये शान का मसाला 2 टीस्पून आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो जी थोड़ा सा मसालों को 5 से 10 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें 1 कप एग ऐड कर देंगे। इससे ये है कि आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कोफ्तों में सारा दारो मदार से ग्रेवी का होता है। अगर आपकी वो टेस्ट बन रही सुबह समझिए आपको खाना बहुत मिल सकता है। अब हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो जी दूसरी साइड से हमारे कोफ्ते जो है देखिए अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं। आप देखें उनका कलर मसालों में दिख गया है। और दूसरी तरफ अब हम इसको इसमें जो है इनकी दाल का पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे कम से कम 10 से 15 मिनट, ठीक है, क्योंकि आपके कोफ्ते को ऑलरेडी हमारे गले में तो वो हमें जरूरत नहीं है दाल के बनाने की। तो पहले जो हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे, उसमें पानी ऐड करके इसको ढक लेंगे। तो जो हमने उसको पानी डाल के उसको गलने के लिए रख दिया। यहाँ हमारे मसाले में डायरेक्ट बहुत कम क्वान्टिटी में हमारे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा डाला था। इनको वापस में डब्बे में पैक करके नेक्स्ट टाइम ये लगते हैं, क्योंकि ये डब्बे जो है हम कम आते हैं और ये मसाले आपके कम से कम 3 से 4 बार चलेंगे अराउंड, क्योंकि पहले 3 मसाले हमने मिक्स करके इनको शामिल किया। चलिए इनको रख के नेक्स्ट टाइम यूज करते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्तों का जो है वो ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। अच्छा इसी का आपने ध्यान रखना है कि आपने कोफ्ते के पानी समेत नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमने जिस मसाले में मैरिनेट करने के लिए रखा था। तो कोफ्तों का मसाले जो है पानी इसको हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इससे स्पाइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ पैन में चटनी अगर आपको टीका वगैरह कुछ ऐसा लगे तो आप बेसिक चेक करके डाल देंगे, आपने इस समेत नहीं डालना है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ठीक है। अब हम कोफ्ते को जो है ऐड कर लेते हैं। देखिए सर मैंने कोफ्ते को ऐड कर लिया है, अब उसको ढक देंगे 5 मिनट। आप देख सकते हैं कलर भी इसका बहुत ही अच्छा है। ये एक झटपट रेसिपी है जो आप गेस्ट के सामने पेश करेंगे तो आपके गेस्ट खुश भी बहुत हो जाएंगे। कोफ्ता एक ऐसी रेसिपी है जो सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत ही मैंने आपको इजी रेसिपी बताई है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।